लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राधा, शंकर भैया, ये झील के किनारे बेहोश पड़ी थी, मगर अब ठीक है। राधा, राधा, ये सब कैसे हुआ? बाबूजी, दो चार आदमी थे। याद है ना मैंने तुझसे क्या कहा था? इन तीन कुत्तों को तो मैं तेरे पास ले आया हूं, लेकिन मेरी कसम अभी पूरी नहीं हुई। बदले की आग अभी तक बुझी नहीं है। जब तक मैं वो चौथी लाश तेरे कदमों में लाकर नहीं डाल देता, तब तक मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और उस दिन से मुझे अपने आखिरी दुश्मन की तलाश है। जब तक उसे मौत की नींद नहीं सुला देता, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। मेरा रास्ता अलग है, मेरी मंजिल अलग है। मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो सीमा। मेरे दिल में तुम्हारा ख्याल नहीं, तुम हो। पहले मैं तुम्हें सिर्फ प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। आज से ये लड़ाई तुम्हारी अकेले की नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं खूनी हूं, मुजरिम हूं, पुलिस को मेरी तलाश है, मेरा जो अंजाम होना है होगा। लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम्हारी दी हुई जिंदगी अब मैं तुम्हारे साथ ही गुजारूंगी, वो आबाद हो या बर्बाद, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। चलो मेरे साथ। कहाँ? माँ के पास आशीर्वाद लेने। इस वक्त? नहीं नहीं, इतनी रात गए रानी माँ के पास जाना ठीक नहीं होगा। सुबह बात कर लेंगे। अब तुम ऐसा करो, जाकर सो जाओ, ठीक है? ओके। सीमा, कल रात मेरे बारे में सब कुछ जान लेने के बाद भी तुमने अपना फैसला नहीं बदला। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए जा रहा हूं। हो सके तो माफ कर देना शंकरा। Thank you.
सीमा, 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 सीमा तू ठीक है? वो कहाँ है? कहाँ है वो? बोलती क्यों नहीं माँ? चले तो नहीं गए? अब चुप क्यों है माँ? तू ले जा बेटी। कहीं वो चले तो नहीं गए? नहीं, वो यही है। फिर मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे सामने क्यों नहीं है? उन्हें बुलाओ माँ, माँ उन्हें बुलाओ। अच्छा, बुलाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास था तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है, तेरी माँ पर भरोसा है, तेरी माँ के आशीर्वाद पर भरोसा है। उसी देवी माँ के सामने मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपना माना है। मुझे वचन दो तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, जिंदा नहीं रह सकती। आप और इस वक्त पुजारी जी, आज मैं बड़ी दुविधा में हूं। मैं आपके मन की हालत को समझता हूं। आज दिन में जो कुछ हुआ उसी के कारण आप परेशान हैं। हाँ, आपने ठीक ही समझा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। करने वाले हम और आप कौन होते हैं? करने वाली तो ये माँ है जिसकी इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता। और फिर शंकरा तो नेक लड़का है। वो तो ठीक है पुजारी जी, मैं भी जानती हूँ कि वो नेक है, लेकिन ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें आप नहीं जानते। लेकिन ये तो सब जानती है, इससे कुछ नहीं छुपा है। इसलिए आज जो कुछ भी हुआ उसे इस माँ का आशीर्वाद समझ कर स्वीकारना ही उचित है। आप हैं वकील साहब मिस्टर लीला रामचंदानी। सीमा के पिताजी तमाम जमीन और जायदाद की वसीयत इनके पास लिखकर छोड़ गए थे। क्योंकि आप सब इस परिवार का एक हिस्सा हैं, इसलिए हम जरूरी समझते हैं कि वसीयत में लिखी हुई बातें आप सब भी जान लें। वकील साहब, इसमें दो खास बातें हैं। पहली बात यह कि इस वसीयत के मुताबिक सीमा के बालिग होने पर यानी उसके 18 साल के पूरे हो जाने पर इस सारी जमीन जायदाद की मालिक वो होगी। और दूसरी बात यह कि यह जायदाद सीमा को उसकी शादी हो जाने के बाद ही मिलेगी। थैंक यू वकील साहब। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से 4 दिन बाद सीमा का 18वां जन्मदिन है, जबकि सीमा बालिग हो रही है। शंकर से सीमा की शादी का फैसला तो हमने पहले आपको सुनाई दिया था, अब हमने दिन भी तय कर लिया है, सीमा का 18वां जन्मदिन। मुंशी जी, आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अरे यहाँ का ले आई तू मुझे? नास्तिक हो क्या? नहीं नहीं, भगवान पे मेरा पूरा विश्वास है। तो फिर ये भी विश्वास कर लो कि इस पवित्र स्थान पर आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। भोलेनाथ हर एक की मनोकामना पूरी करते हैं। तुम्हारी भी कोई मनोकामना है क्या? तुम्हारी नहीं है क्या? है। तो फिर चलो मांग लेते हैं दोनों। हे भोलेनाथ, जिस तरह तूने इस जन्म में शंकर को सीमा से और सीमा को शंकर से मिलाया है, उसी तरह हर जन्म में मिलाते रहना, हर जन्म में मिलाते रहना। कौन हो तुम? मैं कौन हूं? तुम कौन हो?
सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। सच्चाई तो ये है कि मैं कोई नहीं, तुम कोई नहीं, सब छलावा है। कहते हैं ज्ञानी कि यह दुनिया है सब धोखा है। धोखे के बच्चे, सीधी तरह बता कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। कम दिखाई देता हो तो ये चश्मा पहन कर देखो कि मैं कौन हूं। मैं हूं फकीर, साधु, स्वामी, तार तार जी महाराज। लेकिन बालक तुम कौन हो? हम डाकू हैं। ओह, यानी के साधु और शैतान। मुझे तो कोई पागल लगता है। पागल नहीं, नाटक कर रहा है। मुझे तो कोई पुलिस का आदमी दिख रहा है, यहां जासूसी कर रहा है। तो फिर इसे सरदार के पास ले चलते हैं, वही करेगा इसका फैसला। चल।